ये रिश्ता क्या कहलाता कि आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि बड़े पापा बड़ी मम्मा के साथ बाहर जाएंगे रेस्टोरेंट में। बड़े पापा को अबीर का नाम सुनाई देगा, वो अबीर का नाम सुनते ही चौंक जाएंगे। वो होटल के मैनेजर के पास जाएंगे और अबीर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जब मैनेजर बड़े पापा को अबीर के बारे में बता रहा होगा तभी अबीर आ जाएगा। उसका चेहरा ढका होगा और वो शराब के नशे में धुत रहेगा। नशे में रहने की वजह से अबीर ढंग से चल भी नहीं पाएगा और गिर जाएगा। इससे पहले कि बड़े पापा अबीर से मिले या उसका चेहरा देखें, रेस्टोरेंट का मैनेजर स्टाफ को कहकर अबीर को बाहर निकाल देगा। बड़े पापा परेशान हो जाएंगे, वो अबीर के पीछे जाएंगे। हालांकि बड़ी माँ बड़े पापा को रोक लेंगी। बड़े पापा को समझ नहीं आएगा कि बीते कुछ दिनों से उनकी जुबान पर और मन में अबीर क्यों आ रहा है। बड़ी माँ बड़े पापा को समझाने की कोशिश करेंगी लेकिन बड़े पापा नहीं समझेंगे। इधर बड़े पापा अबीर की वजह से परेशान रहेंगे। उधर रूही अबीरा के लिए सरप्राइज प्लान करेगी। वो अबीरा का पहला दिन सेलिब्रेट करेगी। जब अबीरा अरमान के भाई बहनों के साथ बिजी हो जाएगी तब रूही अरमान से बात करेगी। वो अरमान के मन को टटोलने की कोशिश करेगी। बातों ही बातों में अरमान रूही को कॉलेज में हुए पूरे कांड के बारे में बता देगा। रूही को अबीरा का बर्ताव पसंद नहीं आएगा। वो अबीरा के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगेगी। अबीरा को रूही का चिल्लाना पसंद नहीं आएगा। जब अरमान कमरे में अबीरा को खुश करने के लिए नूडल्स लेके आएगा तब अबीरा उससे झगड़ा करने लगेगी। अबीरा उसे बताएगी कि रूही ने उससे क्या कहा। अरमान हैरान रह जाएगा। वो अबीरा को मनाने की कोशिश करेगा हालांकि अबीरा अरमान की एक नहीं सुनेगी। उधर दादी साहब फूफा साहब के साथ मिलकर अबीरा को सबक सिखाने की ठान लेंगी।